नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, EMRS में TGT PGT प्रिंसिपल की पद की भर्ती निकली, उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले और फॉर्म भी आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में यानी कि किस स्टेट में कैसे वैकेंसी आप चेक करेंगे वो भी। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, फॉर्म आपको मिलेगा rozgarrizult.com पे। यहाँ दोस्तों एक पुरानी एक ट्रस्टेबल एक भरोसेमंद वेबसाइट rozgarrizult.com, आपको इसको खोलना है और यहाँ पे देख सकते हो टॉप ऑनलाइन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पे। दोस्तों जी, दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है sarkaririzult.com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई है। तो सीधा हम क्लिक कर देंगे एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS के फॉर्म पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे आना है और देखना है कि यहाँ पे जो फॉर्म है ये 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। फीस इसकी पेमेंट आप 1 मई तक कर सकते हैं। फीस की बात करें तो TGT PGT पोस्ट की 1500 रुपये, SC ST PH की कोई फीस नहीं है, और जनरल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की 2000 रुपये। टोटल 3400 पोस्ट की भर्ती है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं TGT में केवल बैचलर डिग्री के साथ में BEd और CTET मांगा है, और PGT में केवल आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और BEd एग्जाम होना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी आप कैसे चेक करेंगे। तो स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ हर स्टेट की वैकेंसी के आगे क्लिक हियर का लिंक है। दोस्तों ये मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक दे दूंगा, बाकी आप sarkaririzult.com और rozgarrizult.com पर खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको MP के फॉर्म जो है भर के दिखाने वाला हूँ TGT का, तो मैं MP के ही स्टेट वाइज वैकेंसी पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे नीचे जो है आपका यहाँ मध्य प्रदेश का खुल जाएगा, जिसमें TGT और PGT सब सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे मैं दोस्तों आपको PGT और TGT कोई भी एक फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ। एग्जांपल मैं PGT ले लेता हूँ। PGT इंग्लिश में जैसे आप देख सकते हैं 58 सीट है, हिंदी में 51 है, फिजिक्स में 56 है, अलग अलग इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको PGT जो है कॉमर्स का जो है भर के दिखाता हूँ। PGT कॉमर्स का आप इस तरीके से हर स्टेट का जो है चेक कर सकते हैं कहाँ कितनी सीट है। तो सीधा मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। आपको बता दूँ दोस्तों, इसका सिलेबस भी उपलब्ध है, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके एक क्लिक पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन करूँगा, देख सकते हैं ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा मार्क करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। साथ ही साथ बताएं दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना पासवर्ड या फॉर्म नंबर भूल गए तो आप इन दोनों लिंक की मदद से अपना पासवर्ड और फॉर्म नंबर को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं फॉर्म पे यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, यानी कि जो सारा इंस्ट्रक्शन है जो आपको मैंने अभी sarkaririzult.com और rozgarrizult.com पर दिखाया, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। सारे इंस्ट्रक्शन आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना और क्लिक हियर टू प्रोसीड करके आगे बढ़ाना है। दोस्तों जैसे आप बढ़ा दें, आपको बता दें इसकी जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, पिता का नाम डाल देता हूँ, अपनी माता का नाम डाल देता हूँ, नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। नेक्स्ट मैं अपना जेंडर डाल देता हूँ। एक आपको आइडेंटिफिकेशन में देना है यानी ID प्रूफ में, आप पैन कार्ड है, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन या कुछ भी अदर भी आप जो है दे सकते हो। तो मैं वोटर ID कार्ड दे देता हूँ। और इसी बात साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस देना है आपका, अगर विलेज करके एड्रेस आता हो तो विलेज करके दे दीजिए, अगर आपका हाउस नंबर के साथ एड्रेस आता हो तो हाउस नंबर के साथ दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ली, स्टेट सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट आपको अपना पिन कोड डालना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो दे सकते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। तो उसके यहाँ पूछा परमानेंट एड्रेस, यानी अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना। अगर आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सिक्योरिटी मान लिया पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरीके से जो है आप जो उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड बनाना है, बता दें आपको पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर के बीच होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है सुरेश, तो मैं S कैपिटल कर देता हूँ, उसमें पूरा सुरेश लिख के @123 कर सकता हूँ। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम या अपने स्टेट के नाम से जैसे चाहे, आप उसके नाम से स्पाउस का नाम हो, आपके चिल्ड्रन का नाम हो, उसके नाम से भी पासवर्ड जो है बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें एक स्पेशल करेक्टर, एक स्मॉल करेक्टर और कुछ न्यूमेरिक लेटर होने चाहिए, कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 करेक्टर का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मेरी सारी जानकारी हो चुकी है पूरी, यहाँ पे मैं कैप्चा डालता हूँ। अब मैं दोस्तों सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे ही सबमिट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस प्रीव्यू के ऑप्शन में यहाँ पे कुछ जगह आपको टिक भी करना है, देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा मार्क कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं मैंने इतनी चीज़ें मार्क कर दी है उसमें। आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम चेक करना है, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल आईडी, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें कह रहा है कि आप दोबारा से चेक कर लीजिए। अगर चेक करने के बाद आपको कुछ भी गलती लगती है तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया है, आप इसको रजिस्ट्रेशन पर एडिट कर सकते हैं, बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप सिंपली आई एग्री पे टिक करेंगे तो फाइनल सबमिट का जो बटन है वो विजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी अभी ये तीन स्टेप है जो इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों सारे स्टेप को कंप्लीट करना है हमको, तभी आपका फॉर्म ये कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ बताएं आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स पहले से आ जाएंगी, जो डिटेल्स नहीं आई उसको आपको भरना है, जैसे कि आपने नेशनलिटी डाल दिया। उसके बाद पूछा दोस्तों आपको डोमिसाइल कहाँ का है, कि आपका मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, कहाँ का डोमिसाइल है, ये डोमिसाइल लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल इसमें आने की नहीं दे रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ भर्ती है वहीं का डोमिसाइल जो इसमें दे रहा है। तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश कर देता हूँ डोमिसाइल में। अगर इसमें अदर स्टेट का ऑप्शन और कुछ है कि नहीं मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ, थोड़ी साइड भी स्लो चल रही है इसमें, मैं अगर दिखा देता हूँ कि जी हाँ दोस्तों मतलब जहाँ की भर्ती है वहाँ का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें अगर आपके पास मान लीजिए मध्य प्रदेश के लिए आप एलिजिबल है तो आप तभी आप मध्य प्रदेश का फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। आपके पास डोमिसाइल होना यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान भर्ती के लिए डाल लें या उड़ीसा भर्ती के लिए डाल लें, जहाँ के लिए भी डाल लें वहाँ के लिए आपके पास निवास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों माइनॉरिटी का ऑप्शन है और यहाँ पे पीएच का ऑप्शन है, आपके मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन है। तो जो जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर सेलेक्ट करते जाना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन पूछ रहा है कि सर्विस है टीजे 31 मार्च को, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, जिसमें आपको ईयर और मंथ का जो अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पूछ रहा है आप किसके लिए डाल रहे हो, तो जैसे मैंने आपको कहा था मैं पीजीटी के लिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पीजीटी कर दिया। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे उस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सबका प्रोसेस जो है दोस्तों सेम रहेगा, बस एलिजिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। और जैसे प्रिंसिपल के लिए मैं देख रहे हो तो उसमें एक्सपीरियंस भी आपको डालना पड़ेगा, टीजीटी पीजीटी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से आप इसको भर सकते हैं। मैं आपको पूरा फॉर्म अभी भर के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे पीजीटी पे क्लिक करेंगे पूछेगा आप किस सब्जेक्ट से डाल रहे हो, तो मैंने सब्जेक्ट अपना आपको कॉमर्स बताया था स्टार्टिंग में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो दोस्तों मैं पहले हिंदी ले लेता हूँ, दूसरी इंग्लिश ले लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन और दे रहा है, यानी कि 5 लैंग्वेज जो है अप टू 5 है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैक्सिमम आप 5 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यानी पेपर के लिए। तो मुझे केवल हिंदी ही इंग्लिश आती है तो मैंने हिंदी इंग्लिश ही जो है टिक की है। बाकी लैंग्वेज अगर आपको आती हो या लोकल लैंग्वेज आती हो तो आप उस पर टिक कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछा आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछा है, जी हाँ दोस्तों एग्जाम यानी कि परीक्षा का सेंटर। इसमें भी बता दें आपको वही स्टेट में, उसमें कोई ऐसा नहीं है, आप चाहे तो दिल्ली भी ले सकते हैं, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं पहला मध्य प्रदेश ले लेता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश से ही मैंने इस फॉर्म को डाल रहा हूँ। मध्य प्रदेश मैंने भोपाल ले लिया, दूसरा सेंटर मैं दिल्ली का ले लेता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ज़्यादातर रहता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिल्ली ले लिया है, थर्ड ऑप्शन मैंने पहला भोपाल लिया था, दूसरा मैंने ग्वालियर ले लिया, तीसरा मैं फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश कर देता हूँ। तो सेंटर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग स्टेट में भी आपको 4 ऑप्शन टोटल सेलेक्ट करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। दोस्तों हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है आपको, मतलब हाई स्कूल से शुरू करना है, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं हाई स्कूल भरता हूँ। हाई स्कूल में अपने बोर्ड का नाम डाल देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों यूपी बोर्ड का इसमें आने के ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन होगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आने की बोर्ड के नाम सब दिए हुए, हो सकता हो कुछ नाम में आपके परिवर्तन हो सकता है, जैसे बहुत सी जगह यूपी सेकेंडरी होता है, बहुत सी जगह बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, जैसे नाम इनकी साइट पर दिया हो वैसे ही आपको डाल देना है। यहाँ पर टोटल आपको नंबर डालने हैं और यहाँ पर आपको कितना नंबर मिला है वो डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। इसी तरह सेम प्रोसेस दोस्तों आपको इंटर में भी अपनाना है। इंटर में आपको पासिंग कर दिया है और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डाल देना है इंटर का, और यहाँ पे 12th कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी ये चीज़ें। मीडियम ऑफ स्टडी पूछ रहा है, बोर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे भी मैंने यूपी बोर्ड कर दिया है,
दोस्तों आपको जो बोर्ड हो वही डालिएगा, आप CBSE हो, ICSE हो, MP बोर्ड हो या कोई और अन्य बोर्ड हो, जैसा आपका हो वैसे ही डाल दीजिएगा आप उसको। तो जैसे आपका परसेंटेज CGPA दोनों ही ऑप्शन है, जो चाहे आप उसको भर सकते हैं आपका जैसे हो। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने ग्रेजुएशन में यानी कि बीकॉम पे। बीकॉम भी पूछ रहा है आपका पास है कि वो है, यहाँ पास किया दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है बीकॉम आपने कब पास किया है। नेक्स्ट आपका स्ट्रीम पूछ रहा है, बीकॉम है मेरा, मैंने बीकॉम कर दिया है। नेक्स्ट आपका मीडियम पूछेगा और आपने किस बोर्ड से किया है वो पूछेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है तो मैं आगरा यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ है कि नहीं है। ये दोस्तों मुझे आगरा यूनिवर्सिटी मिल गई है, देखिए दयालबाग भी है, आगरा यूनिवर्सिटी भी है। तो सारे ऑप्शन दोस्तों मिल जा रहे हैं, लगभग इन्होंने सारे ऑप्शन दिए। अगर आपको नहीं मिलता ऑप्शन तो आपको नीचे देखेंगे तो अदर या नॉट अवेलेबल का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड का नाम उस पर नहीं मिलता है। तो मैं भी आपको नीचे वाले ऑप्शन में उसको करके भी बता दूंगा कि जिनका नाम नहीं मिलता उनको क्या करना है। दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कभी कभी दोस्तों लोडिंग में थोड़ा समय लग जाता है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आपका परसेंटेज और CGPA का ऑप्शन फिर खुल जाएगा, जैसे दोस्तों हाई स्कूल इंटर में खुला था वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी आपको उसी तरह जो है सेलेक्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने उसको भर दिया, अब हम आ गए अपने लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हम PG के लिए भर रहे हैं यानी कि हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भर रहे हैं। जो लोग TGT के लिए भरेंगे उनको यार ऑप्शन भरने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पे जो है पास और अपेयरिंग का ऑप्शन भी जो है मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PG में पास और अपेयरिंग का दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो भी आप इसको भर सकते हैं, आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 2021 डालना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस मैं अपना देता हूँ, मैं आपको इसमें बोर्ड का नाम भी अगर नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको नीचे जाना है, ये देख सकते हैं इसमें अदर का ऑप्शन दिया होगा, ये देखिए अदर का ऑप्शन बीच में दिया हुआ है। अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम जो नहीं मिलता है इसमें तो आप ये सिंपली अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सभी में वैलिड है, मतलब कि आप चाहे अगर आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों वैसे इसमें ज़्यादातर ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको इन केस नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसका इस केस में अगर आप अदर करेंगे तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सेम प्रोसेस अपना देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपका एनी अदर डिटेल्स पूछ रहा है, कुछ आपको एनी अदर क्वालिफिकेशन हो तो आप उसको दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों अगर आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे, इसलिए नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा है कि आप EMRS के एम्प्लाई है, अगर एम्प्लाई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका, देख सकते हो दोस्तों क्या आपने STET या CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, तो दोस्तों TGT में कंपलसरी है, उनको पास होना जरूरी है, अगर नहीं है आप तो नो कर दीजिए PGT वालों के लिए, लेकिन TGT वालों में यस होना कंपलसरी है। यहाँ पे एम्प्लाई पूछ रहा है क्या एम्प्लाई है कि अनएम्प्लाइड है, तो सारी चीज़ें आपको भर देनी है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैप्चा आपको दोबारा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को मैं भर देता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करके आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ चीज़ें आई थी, इसी तरह सेम वही प्रोसेस इस बार भी आ रहा है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें चेक करने को दे रहा है, जैसे कि आपको नाम फिर से चेक करने को दे रहा है, आपका पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपने एग्ज़ाम की जो डिस्ट्रिक्ट डाली, आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली। दोस्तों इसका मतलब ये है टिक करने का कि आपने उस चीज़ों को सबको दोबारा चेक कर लिया है, अब उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको टिक करने से पहले अच्छी तरीके से चेक करना है और चेक करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, अगर आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कुछ भी गलती है तो यहाँ पे आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा कीजिए और पहले उस चीज़ को सही कीजिए, उसके बाद ही जो है फॉर्म को भरिए। तो दोस्तों मैंने सबको चेक कर लिया, अब हम फाइनल सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हमारा दूसरा स्टेप भी जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों भी आप देख सकते हैं अभी हमारे दो स्टेप जो है इनकम्प्लीट है, यानी कि हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट बचा हुआ है और एप्लीकेशन फीस का पेमेंट बचा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड इमेजेस का, इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बता दें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है। तो दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा है, सबसे पहले आपकी एक नई फोटो होनी चाहिए यानी करंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस फॉर्म में। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो चलिए दोस्तों अब इन सबको अपलोड करते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई देगा, आपको बता दें जो इसमें आपको डोमिसाइल लगाना है वो PDF में लगाना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है JPG में लग जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं और आगे चलते हैं।
दोस्तों देखिए हमारे 3 स्टेप अब कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 1 स्टेप बचा है यानी कि फीस पेमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और पेमेंट के मोड देखने हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं किस किस माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आप इसका पेमेंट जो है कई माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे ले सकते हैं, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या पेटीएम, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड टू फॉर पेमेंट करके आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बता दें आप इसका पेमेंट करने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इसका पेमेंट जो है अपने किसी भी डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ मैं जो प्रीफर करता हूँ, मैं नेट बैंकिंग को प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें दोस्तों ट्रांजेक्शन एरर होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, पेमेंट करते ही मान आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा और नई नई फॉर्म नई नई जानकारी के लिए आप सरकारीresult.com का मोबाइल ऐप और रोजगारresult.com का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई वैकेंसी और नई नई जानकारी आपको मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, आपको इस फॉर्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।